गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों हाउ आर यू फाइन। चलो ठीक है, मैंने आपको बच्चों चैप्टर 3 के स्टोरी सुनाई थी। क्या थी? अपनी वस्तु। अपनी वस्तु क्या है? परोपकार, अच्छे कर्म, सच्चाई, है ना, ये सारे अपनी वस्तु होती है, बाकी सब कुछ हमारा नहीं है। बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं, मैं आपके क्वेश्चन आंसर जो है कुछ तो आपको मैं अभी बोल के बताऊंगी, और कुछ ये वाले हैं जो वो लिखे हुए हैं, इसको आप इसमें से देख के लिखेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को राय दी कि भूमि के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो, मरने मारने पर उतारू हो, इससे अच्छा भूमि से ही पूछ लें कि उसका असली मालिक कौन है, वह स्वयं ही इसका निर्णय कर देगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? बच्चों आंसर है, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का केवल एक ही उद्देश्य था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें कुछ समझाया जा सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा, ये दोनों व्यक्ति मेरे ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, इन दोनों में से मैं किसी की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इसकी कई पीढ़ियों को पाला है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? दोनों भाई महात्मा जी की बात सुनकर लज्जित हुए कि हम इस जमीन के टुकड़े के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं जो आज तक किसी की नहीं बनी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बच्चों, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया कि जितने भी पदार्थ हैं, ये धन संपत्ति मकान जमीन जायदाद, ये किसी कुछ भी हमारी नहीं होती, हमारी वस्तु तो केवल भजन कीर्तन भक्ति और अच्छे कर्म हैं जो परलोक में हमारे साथ जाते हैं, इसलिए जमीन जायदाद के लिए कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 5 हैं, इनके मैंने आंसर लिख दिए हैं, इनमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे हैं जो मैं पढ़ रही हूँ और आंसर भी बोल रही हूँ, इसको आप सुन लो और कॉपी में लिख लेना। ठीक है बच्चों, आपके शब्दार्थ होने के बाद ये प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? आंसर होगा, लड़ाई झगड़ा दोनों भाई कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा आपस में दोनों भाई कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? बच्चों दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे, जमीन के स्वामित्व के लिए, यानी दोनों, वो कहता मेरी, ये कहता मेरी, तो आप आंसर लिखोगे, दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों भाइयों को किसने समझाया? आंसर होगा, दोनों भाइयों को एक महात्मा जी ने समझाया। बच्चों ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, क्वेश्चन भी बोल दिया आंसर भी, और एक जो है सही गलत का सुन लो। दोनों भाई क्या कर रहे थे? अब आप ऑप्शन सुनो, हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा,
बातचीत या खाना खा रहे थे। इसमें राइट होगा, आप सबको पता है लड़ाई झगड़ा। दोनों भाई क्या कर रहे थे, तो लड़ाई झगड़ा पे आप राइट लगाओगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ब है, ये ए था, ये ब है। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए, क्या लेकर आए बताइए। सोना, फल, भोजन, कपड़ा। तो क्या लेकर आए बच्चों, भोजन। तो आप भोजन पे राइट लगाना। और बाकी के जो क्वेश्चन है इसको मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं, इसको आप इसमें लिखेंगे कॉपी में। बच्चों कॉपी में जो है वो आप सिर्फ ये वाले और ये जो छोटे मैंने बताए हैं लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे ये सब, ये वाले लिखोगे। तीन ये हो जाएंगे और पाँच ये आठ। लेकिन ये जो सही गलत वाला है ये आप बुक में ही जो है ऑप्शन जो है इसको भरोगे और बुक में ही फिल करोगे, उसको कॉपी में नहीं लिखोगे। बात समझ में आ गई, एक बार फिर सुन लीजिए। ये जो मैंने छोटे प्रश्न तीन बताए हैं इनका आंसर आप कॉपी में भी लिखोगे, पर ये जो सही गलत वाले हैं छोटे छोटे ऑप्शन के आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, इनको आप बुक में ही करोगे, बुक में फिल कर लेना, भर लेना। और इसके बाद मैंने आपको ये जो पीछे के हैं ये क्वेश्चन आंसर सारे यहाँ लिख दिए हैं, आप करोगे कॉपी में सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा लिखोगे, ताकि सरस्वती मैम को अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, आपको पता मुझे राइटिंग अच्छी, मेरी तो गंदी है लेकिन आपकी बहुत अच्छी है, तो इसलिए और अच्छी लिखो, मुझसे भी अच्छी लिखो, और जो है मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, मैं चेक करूँ अब आपकी अटेंडेंस लगाऊँ। ठीक है बच्चे, इसके आगे मैं आगे का लेक्चर पढ़ाऊँगी और चैप्टर पढ़ाऊँगी, चैप्टर फोर्थ पढ़ाऊँगी। जब भी मैं पढ़ाती हूँ या लिखवाती हूँ आप बुक खोल के भी रखा करो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कुछ परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छे रहो, फूलों की तरह मुस्कुराओ। थैंक यू, थैंक यू।